और उसकी माँ कावेरी दोपहर के 12 बजे काम खत्म करके अपने घर लौट रही थी। उनका घर बाजार से होते हुए जाना पड़ता था। बहुत गर्मी है भाभी जी, एक फैन दो क्या, गर्मी से राहत मिलेगी। एक दुकानदार कावेरी को देखकर ये कहने लगा, अरे तू किससे पूछ रहा भाई है? ये तो काम वाली भाई है, उसके पास तो ठंडा पानी खरीदने के भी पैसे नहीं है, है? अच्छा तो पहले बोलना चाहिए था ना, इतनी गर्मी में फालतू चिल्ला रहा था। ये सुनकर कावेरी को बहुत बुरा लगा। माँ सच में बहुत गर्मी है, कम दाम में एसी फैन मिल रहा है, खरीद लो ना। ये सुनकर कावेरी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी खरीदने के पैसे होते तो जरूर खरीद लेती, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, हम क्या इतना गरीब है माँ। हाँ बेटी कोई बात नहीं, चल ना मिट्टी के घड़े का पानी पिलाऊंगी, पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, मुफ्त की राहत मिल जाएगी। लेकिन कावेरी को भी पता था कि ये सब टोटके तो 20-30 साल पहले चलते थे, जब तापमान ज्यादा से ज्यादा 30-32 ही जाता था, लेकिन अभी तो तापमान 50 के आसपास है। इतनी गर्मी में सिर्फ पानी पीकर राहत तो नहीं मिलने वाली थी, लेकिन उसके पास और रास्ता ही क्या था। लोगों के घर पर काम करके महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए ही आते थे, इतने से पैसों में आजकल किसका घर चलता है। कावेरी का पति भी अब इस दुनिया में नहीं था, कावेरी अकेली घर संभालती थी। वो खुद तो किसी भी तरह रह लेती थी, लेकिन उसकी छोटी बच्ची मीनू वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। माँ बहुत गर्मी हो रही है, देखो ना पूरा पसीना पसीना हो गया है। कोई बात नहीं बेटी, आजा मैं हाथ पंखे से हवा करती हूँ। हाथ पंखे से कुछ नहीं होता है माँ, आप जिन घरों में काम करने जाते हो वहाँ एसी है, फ्रिज है, वो सब फ्रिज से बर्फ निकाल कर खाते हैं, मुझे भी बर्फ चाहिए। अब इतनी गर्मी में तुझे बर्फ कहाँ से ला दूं बेटी। वही तो, काश यहाँ बर्फ होता। सोच माँ अगर हमारा कमरा बर्फ का होता तो कितना मजा आता, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो कमरा हमेशा ठंडा रहता। मीनू ने सपना देखा कि उसका कमरा सच में बर्फ का हो गया था, कमरे के अंदर बहुत ठंड थी, मीनू को बहुत मजा आ रहा था। अरे वाह बर्फ का कमरा, बर्फ का कमरा, देखो माँ मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, देखो माँ कितना मजा आ रहा है। मीनू की आवाज सुनकर कावेरी की नींद खुल गई और उसने देखा बेचारी मीनू नींद में बात कर रही थी। देखो माँ मैं बर्फीले पानी से नहा रही हूँ, देखो माँ मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। लेकिन असलियत में मीनू पसीने से नहा रही थी। ये देखकर कावेरी को बहुत दुख पहुंचा, कैसी माँ हूँ मैं, अपनी बेटी को इस गर्मी में थोड़ा सुकून भी नहीं दे सकती, घर में एसी तो छोड़ो एक पंखा तक नहीं है। ठीक है मैं कल ही मालकिन से कुछ पैसे उधार लूंगी। अगले दिन काम पर जाकर कावेरी ने मालकिन से पैसे मांगे। मालकिन कुछ पैसे उधार देंगी, मैं कुछ ही महीने में लौटा दूंगी। अरे तुम लोग जब देखो पैसे मांगते रहते हो, क्या करोगी पैसों का। एक पंखा खरीदूंगी मालकिन, मेरी बेटी को बहुत तकलीफ होती है गर्मी में, वो बेचारी सो नहीं पाती है। शौक तो देखो पंखे के नीचे सोना है इन्हें, पंखे के नीचे सोई रहेगी तो तेरी नींद कैसे खुलेगी, सुबह नींद नहीं खुलेगी तो काम पे कैसे आएगी। काम पे आ जाऊंगी मालकिन चिंता मत कीजिए। नहीं पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, जा जल्दी काम कर और दफा हो जाए यहाँ से। इस दुनिया में गरीबों के साथ शायद ऐसा ही होता है, कावेरी को किसी ने पैसा उधार नहीं दिया। कावेरी हताश होकर लौट आई। माँ पंखा लाई हो ना। नहीं बेटी नहीं ला पाई, लेकिन आपने तो कहा था कि पंखा लाएंगी। लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए बेटी, इसीलिए नहीं ला पाई। मीनू भी दुखी हो गई, वो छोटी थी लेकिन अपनी माँ का दुख समझती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से खफा नहीं हुई बल्कि बोली, ठीक है माँ कोई बात नहीं, 2-3 महीनों की ही तो बात है, मैं रह लूंगी। लेकिन मीनू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान इस कमरे को बर्फ का कमरा बना दो, प्लीज भगवान बर्फ का कमरा बना दो ना। कावेरी को रोना आ गया, मुझे कैसे भी करके पंखा खरीदना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कावेरी के पास पैसे नहीं थे, बस एक मंगलसूत्र था, वो अलमारी में बंद पड़ा था, मंगलसूत्र सोने का था, कावेरी ने उसे अलग से रख दिया था ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। कावेरी ने अपनी आखिरी उम्मीद उस मंगलसूत्र को निकाला और वो बाजार चली गई। क्या चाहिए? पंखा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये मंगलसूत्र है। दुकानदार ने मंगलसूत्र देखकर मन में सोचा, अरे
इस मंगलसूत्र के बदले तो एसी आ जाएगा, लेकिन मैं पंखा ही दूंगा इसे, बेवकूफ औरत। दुकानदार ने मंगलसूत्र ले लिया और कावेरी को पंखा दे दिया। कावेरी के साथ अन्याय हो रहा था। कावेरी पंखा लेकर लौटी रही थी कि तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। गर्मी के कारण उसकी हालत खराब है। अब पंखा खरीद के ले जा रही हो क्या बेटी? वाह, अब गर्मी से तुम्हें राहत मिलेगी। मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरा क्या, जाने की उम्र हो गई है, घर में पंखा भी नहीं है, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। बूढ़े को देखकर कावेरी को बहुत दया आई। उसने सोचा, हाय बेचारे, हम तो फिर भी रह लेंगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे, सच में इनकी मौत ना हो जाए। कावेरी ने उस बूढ़े आदमी को पंखा दे दिया। बाबूजी, आप ये पंखा रख लीजिए, आपकी तकलीफ मुझसे ज्यादा है। सच में तुम मुझे पंखा दे रही हो? कितनी दया है तुम्हारे अंदर। लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो। उस बूढ़े आदमी ने कावेरी को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, याद रखना बेटी, मिट्टी का घड़ा घर को ठंडा रखता है, इसे अपने कमरे के अंदर रखना। वो घड़ा लेकर कावेरी घर गई और मीनू को सब कुछ कहा। मीनू उस घड़े को लेकर कमरे के अंदर गई और उसे वहां रख दिया, और तुरंत एक चमत्कार हुआ, उस घड़े से बर्फ निकलनी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो रहा है, माँ देखो क्या हो रहा है, माँ। माँ बेटी दोनों चौंक गए। वो बूढ़े आदमी इंसान नहीं थे बेटी, जरूर वो भगवान थे, भगवान। घड़े से बर्फ निकलने लगी और कमरा बर्फ का बन गया। गर्मी छुमंतर हो गई। मीनू को बहुत मजा आया, उसका सपना सच हो गया था। और कुछ ही घंटे के अंदर बर्फ के कमरे में घुसने के लिए उनके घर के बाहर भीड़ लग गई। उसके बदले कावेरी लोगों से पैसे लेने लगी। इस तरह वो अमीर भी हो गए और उनका सारा दुख खत्म हो गया। और इसी तरह माँ बेटी बर्फ के कमरे में खुशी खुशी रहने लगी। माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। आपको पता है, मेरी सहेली शालू के पापा कल नया फ्रिज लाए हैं। आज जब मैं उसके घर गई थी, मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। पिंकी बेटा, तुझे तो पता है अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सके। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना? आज मैं काम से आते हुए मालकिन से बर्फ लेती आऊंगी, फिर बर्फ का पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तू खा लेना। माँ, लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? वहाँ पंखे में थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ठीक है चल, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। पिंकी की माँ घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए इसी उम्मीद से पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। अरे शारदा, पिंकी को साथ लाइए। क्या हुआ? मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा, मैंने इसे मना भी किया पर। अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन कर ले, और पिंकी तू मेरे साथ आ। अब तू आ ही गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे, ओ नो, छत पर कितनी गर्मी है। ओ मॉम, आप छत पर क्या कर रहे हो? प्रिया बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाया करो, नजर लग जाती है। अब जाओ नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम, कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। अब इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। पिंकी सुन, तू अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना, मैं जा रही हूँ, धूप में और खड़ा नहीं हुआ जा। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। पिंकी तब की धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी शारदा आ जाती है। पिंकी ला, ला बेटा झाड़ू मुझे दे, मैं लगा दूंगी, तू छांव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊँ या बहुत धूप और गर्मी है? ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा, मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन
फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली। पिंकी इधर तो आ जरा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही है, कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया। ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। शारदा तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के ही सूख जाता है। फालतू में इतनी देर तक पंखा चलता रहता है, पता है बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं है, हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम मैंगो शेक बनाकर जल्दी आओ, मैंने एसी चला रखा है, रूम बिल्कुल शिमला जैसा ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है, मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। शारदा पिंकी के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में पिंकी का मन उदास था। शारदा को ये बात समझ में आ रही थी। पिंकी बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। भैया चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना, तुम भी खाओ ना माँ। हाँ हाँ खाती हूँ खाती हूँ, भैया एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी। अगले दिन शारदा काम पर पहुंचती है। आंगन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अभी मना ना करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे ये तो मालकिन के चीखने की आवाज है। क्या हुआ मालकिन? हे भगवान, मालकिन तो बेहोश हो गई है, अब क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। हाँ रिक्शा बुलाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शारदा रिक्शे वाले की मदद से मालकिन को बराबर वाले डॉक्टर के पास ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। पता नहीं अचानक पानी पर पैर फिसला और मैं गिर गई। शारदा तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी, अचानक आपकी आवाज़ सुनकर मैं ऊपर भाग गई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। शारदा मालकिन को घर ले आती है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन ये मैं नींबू चीनी की शिकंजी बनाकर लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। शारदा तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी शिकंजी तुम भी पी लो, कब से मेरे चक्कर में इधर उधर घूम रही हो। मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर इसने पल भर भी नहीं लगाया मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। शारदा घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे सुषमा तुम ठीक तो हो ना? हाँ अब मैं ठीक हूँ, वो तो शारदा यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे आंगन का पंखा चलाने के लिए मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम शारदा को एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें। उस बेचारी के पास मेज पर रखने वाला एक छोटा सा ही पंखा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा को तरसती है, और वो भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। हम ना जाने अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, क्यों ना एक गरीब की मदद की जाए। ठीक है सुषमा, शारदा को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में एक विचार और आया है, क्यों ना हम अपनी कॉलोनी की सड़क पर ठंडे पानी की मशीन लगवा लें। राह चलते लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है, रिक्शा वाले, सब्जी फल और सामान के ठेले वाले, राह पर चलते राहगीर जब गर्मी में तप रहे होते हैं, और गर्मी में सबसे पहली जरूरत ठंडा पानी, जो उन्हें नहीं मिलता, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तो कम से कम पीने का ठंडा पानी मिल ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। सुषमा शारदा को एक नया पंखा खरीद कर देती है। पिंकी नए पंखे की हवा खाकर बहुत खुश थी। सुषमा का पति राकेश अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे एक ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहाँ से गुजरते हर राहगीर को गर्मियों में ठंडा पानी पीकर राहत मिलती देख सुषमा और राकेश बहुत खुश थे।